सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर आर्क मोबाइल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वर्ल्ड में अपने डायनोज को वाइप कर सकते हो, मतलब खुद के अपने टेम डायनो वाइप नहीं होंगे, टेंशन मत लो, जो जो कि वाइल्ड डायनोज है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब वो वाइप हो जाएंगे, उसकी जगह नए स्पॉन लेंगे। तो ये चीज़ सिर्फ आर्क पीसी में और इसमें होती है, ठीक है। तो अभी ये मोबाइल में भी होती है, आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए से मैं छोटा सा एक एपिसोड बना दिया, एपिसोड नहीं एक वीडियो बना दिया है। एंड एंडी से क्या बोलते हैं, मिले डैमेज इंक्रीज होता है, हाँ कोई भाई नहीं, स्टेमिना रीजन हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है, सो ये होता है आपके सोलो वर्ल्ड में, बस आपको मेरे में जो कहूँगा वो फॉलो करते रहना, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ कि डायनो वाइप होता क्या है। तो डायनो वाइप आपको होता क्या, आपको जितने भी आइलैंड में जो डायनोज रहते हैं ना वो वाइप हो जाएंगे, मतलब वो गायब होकर दूसरे स्पॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। और उसके बावजूद बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा वॉट बॉट लगा दिया है, यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स सारा का सारा, मैं रिसोर्स ट्रांसफर अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ, बहुत हैवी है रिसोर्स, तो भाई टाइम लगता है ट्रांसफर करने में। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ें मैं मतलब करके लाया हूँ, ठीक है, जो कि मतलब छोटा मोटा चीज़ें सैडल वैडल वगैरह सब जो भी हैवी चीज़ है ना वो मैं लेकर चुका हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, बात कर लेते हैं अपने डायनो वाइप की। तो देखो यार, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप डायनो वाइप कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है अपने आर्क। देखो सबसे पहले एक चीज़, अगर आपने कोई डायनो देख के रखा है कि हाँ भाई वो वहाँ पे स्पॉन हो रखा है और मैं उसको टीम करने वाला हूँ, तो ये चीज़ गलती मत करना, कभी मत करना। तो यहाँ पे देखो, एक ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। टाइडी सेव होता है क्या, मतलब दिस रिमूव सम गेम डाटा टू मेक क्लाउड सेव डाटा स्मॉलर। तो इसका मतलब ये है, आप जब भी टाइडी सेव अपने गेम को करते हो तो ये क्लाउड सेव के लिए थोड़ा सा हो जाता है, मतलब एक्सेस हो जाता है एंड गेम डाटा को थोड़ा सा रिमूव करता है। अभी जो ये गेम डाटा रिमूव करता है ना, हाँ यही वो चीज़ है, आपके डायनोज हैं वो रीसेट हो जाते हैं, मतलब रीसेट मतलब जो कि वाइल्ड डायनोज है वो सब वापस से स्पॉन होने लगते हैं, जो अपने देखे होते स्पॉन हुए हुए वो नहीं होते, ठीक है। तो जैसा कि देखो, अगर आप अगर आप डायनो वाइप करते हो तो आपके जितने भी रेंडर डिस्टल में डायनोज है, देखे अभी मैं डायनो वाइप करूँगा तो मेरे सामने पैटरा है वो रहेगा, लेकिन जो मेरे रेंडर में नहीं है वो वाइप हो जाएंगे सारे। तो देखो मैंने आप वहाँ पे स्वाम की साइड एक टाइटन देखा था, अभी मैंने मतलब टाइडी सेव कर दी, यानी कि डायनो वाइप कर दिया है मैंने, तो देखो अभी टाइटन वहाँ पे गारंटीड नहीं होगा, ठीक है। अगर हुआ तो भाई नाम बदल देना, मैं क्या ही कर सकते हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमेशा श्योरली डायनो वाइप हो ही जाता है। अगर आपके पास घर के पास अल्फा रैक्स है या फिर अल्फा रैप्टर है तो आप क्या करो, घर से दूर जाओ रेंडर ना हो और टाइडी सेव मार दो, रैप्टर खलास ख़त्म, मतलब रैप्टर रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये एक फ़ायदा होता है सोलो में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने टाइटन देखा था, समथिंग यही कहीं पे देखा था, देखो इसी जगह का मैंने टाइटन देखा था, और ये देखो अभी टाइटन नहीं है, मैं स्वेर कसम खा रहा हूँ भाई, मैं टाइटन देखा था यहाँ पे, ब्राउन कलर का था, क्या ही मतलब अभी। तो ऐसा कुछ होता है डायनो वाइप का सीन है, आप इजीली कर सकते हो टाइडी से, मतलब आप क्लाउड में थोड़ा सेव हो सकते हो और आपका गेम डाटा रिमूव होगा, जो गेम डाटा रिमूव होता है वही होता है आपके वर्ल्ड के डायनोस की फाइल उड़ जाती है और उसकी जगह वापस से नए डायनोस स्पॉन होते हैं वही जगह पे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है डायनो वाइप के। तो चलो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ चुका होगा तो भाई एक लाइक बन देना, 300 लाइक सर एम रखता हूँ, कंप्लीट कर दो 300 लाइक सर, फटाफट से हो जाना चाहिए यार, इतना मतलब खतरनाक सबको आइडिया बताया मैंने डायनो वाइप का, तो हो जाना चाहिए। और टाइडी सेव देखो यहाँ पे वापस मैं दिखाता हूँ, वापस एक बार कर देता हूँ, कोई नहीं, आपको यहाँ पे टाइडी सेव करके आपको क्या करना है, आपका गेम सेव कर लेना है। अगर आपने कोई डायनो देख के रखा है जो मैं टीम करने वाला हो, तो उसको पहले टीम करो, बाद में टाइडी सेव मारो, तो आपके डायनो वाइप हो जाएंगे, नहीं तो उसके रेंडर डिस्टेंस में जाओ फिर टाइडी सेव करो, कोई दिक्कत भी बात नहीं है। तो होप आपको आज के वीडियो पसंद आ चुके होंगे, आ चुका होगा, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना और शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ जो भी जिसके बाद करना है। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अपनों का भी ख्याल रखो यार, टेक केयर एंड बाय। We'll be right back.